गुड मॉर्निंग किड्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न एमएस वर्ड, हाउ टू यूज एमएस वर्ड इन स्मार्टफोन्स, दैट इज योर एंड्रॉइड फोन्स. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वेयर वी विल गो इन प्ले स्टोर. ओके, वी विल गो इन प्ले स्टोर. प्ले स्टोर में जाके हम लोग लिखेंगे एमएस ऑफिस, एमएस ऑफिस एप्लीकेशन लिखेंगे. ठीक है, सॉरी आई एम नॉट शेयर माई स्क्रीन. ओके, वी विल गो इन प्ले स्टोर और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एमएस ऑफिस लाइक दिस. सी, एमएस ऑफिस लिखेंगे. ओके, उसके बाद ये वाला एमएस ऑफिस. ओके, दिस वी हैव टू इंस्टॉल इन अवर पीसी. ओके, विच एमएस ऑफिस? ये रेड कलर का जो आइकन है, ये वाला एमएस ऑफिस हम लोगों को फोन में इंस्टॉल करना है. इज इट ओके? इंस्टॉल्ड, आई हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, सो मुझे ओपन का ऑप्शन आ रहा है. ठीक है, जब आप प्ले स्टोर में जाओगे तो यू विल गेट ओवर हियर, यहाँ पे आपका ऑप्शन आएगा, इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा. ठीक है, आई हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, इसलिए मुझे ओपन का ऑप्शन आ रहा है. देखो, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, ये रहा, यहाँ पे है. ठीक है, दिस इज माई ऑफिस एप्लीकेशन. ओके, नाउ आई एम क्लिकिंग ओवर इट. ठीक है, क्लिक करने के बाद दो तीन स्टेप्स आपके पास आएंगे. टू लॉगिन करना है, फिर आपको जीमेल आईडी डालना पड़ सकता है, ऐसे सब कुछ आपको एप्लीकेशन ऑप्शंस आएंगे. बट यू कैन स्किप दैट, आप लोग डायरेक्टली उसको स्किप कर सकते हो. स्किप करने के बाद यू विल गेट दिस स्क्रीन. ओके, ये होम स्क्रीन आपको मिलेगा. नाउ आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड दिस फाइल्स. ओके, मैंने ये फाइल्स क्रिएट किया हुआ है, इसलिए मेरे पास ये फाइल्स दिख रहा है. बट when you will do it for first time, this screen will be blank. ये आपका क्या रहेगा? Blank रहेगा. Okay, because you have not created anything. Okay, so this will be blank. So now for creating the document, where you will be clicking, यहाँ पे plus sign दिख रहा है ये वाला सबको, this plus sign. Okay, you will be clicking on this plus sign. जैसे ही मैंने plus sign पे click किया, now we are going to work with word, right? हम लोग word के साथ work कर रहे हैं. So we will clicking on word application. We will be clicking on word application. जैसे ही word application पे click करोगे, you will get this many options. Okay? इसमें से what you will choose? You will be choosing blank document. Okay? You will be choosing blank document. Okay? समझ में आया? यहाँ तक सबको समझ में आया ना, हाउ टू क्रिएट अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट एंड ऑल? ओके, इफ यस देन गिव मी अ थंब फर्स्ट. हाउ टू इंस्टॉल एंड हाउ टू क्रिएट अ वर्ड डॉक्यूमेंट, एवरीवन गॉट इट? वेरी गुड. ओके, सो वी विल मूव फर्दर. ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया मैंने, ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया. नाउ वंस आई क्लिक ऑन ब्लैंक डॉक्यूमेंट, माई डॉक्यूमेंट विल बी ओपन. ठीक है, ये मेरा वर्ड का फाइल है. जैसे आप लोग कंप्यूटर पे ओपन करते हो, वैसे ये मैंने अपने मोबाइल पे वर्ड फाइल ओपन किया. ओके, इजी है. नाउ हाउ टू राइट? आप सोच रहे होंगे टीचर हाउ टू वर्क विद दिस. नाउ यहाँ पे कर्सर दिख रहा है, इस पे मैं क्लिक करूंगी तो आई विल गेट द दिस कीबोर्ड ऑप्शन. जैसे ही मैं क्लिक करूंगी, मुझे कीबोर्ड ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ गुड मॉर्निंग. ओके, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ गुड मॉर्निंग. अभी मुझे इसको बड़ा, इसको करना है बोल्ड. सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट सिलेक्ट इट. डबल क्लिक करके आप ड्रैग कर सकते हो. ठीक है, मैंने इसको बोल्ड कर दिया, मैंने इसको इटैलिक कर दिया, मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया. अभी ये जो है, दिस वन इज फॉर बोल्ड, दिस वन इज फॉर इटैलिक एंड दिस वन इज फॉर अंडरलाइन. और ये जो है वो हमारा हाईलाइटर है, जो हम लोग कंप्यूटर पे यूज करते थे, हाईलाइटिंग करते थे कोई वर्ड को, और यहाँ से हम लोग टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं. समझ में आया? ये सब मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको सिखा दिया था. ओके, सो दिस इज अवर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन एंड कलर ऑब्जेक्ट. अभी और अगर आपको ऑप्शन चाहिए, ठीक है,
अगर और ऑप्शंस चाहिए तो यहाँ पे दिस स्मॉल एरो, ये स्मॉल एरो दिख रहा है सबको, ठीक है, वो स्मॉल एरो को आप लोग क्लिक करोगे, जैसे ही क्लिक करोगे यू विल गेट दिस ऑप्शन होम, ये होम ऑप्शन दिख रहा है, होम ऑप्शन पे के बाजू में दो एरो है, ऊपर एक एरो है और नीचे एक एरो है, तो उसी क्या होगा, जस्ट राइट उस पर क्लिक करो, और जो भी कंप्यूटर्स के ऊपर टैब्स आते थे होम इंसर्ट ड्रॉ लेआउट वो सब आपको यहाँ पे आएंगे। लेट्स गो इन इंसर्ट टैब, इंसर्ट टैब में जाके यहाँ से आप टेबल इंसर्ट कर सकते हो, ओके ठीक है, डिलीट भी कर सकते हो, डिलीट टेबल, आई एम डिलीटिंग द टेबल, ठीक है, अगेन आई एम गोइंग इन होम टैब, इंसर्ट कर सकते हो पिक्चर्स में, सी यहाँ पे आपको दो ऑप्शन आ रहा है, फोटोज एंड कैमरा। नाउ इन मोबाइल यू आर हैविंग दिस प्लस पॉइंट दैट आप लोग गैलरी में से भी आप जो ऑलरेडी आपके मोबाइल में फोटोज है वो भी ले सकते हो, और आपको डायरेक्टली कैमरा से भी फोटो क्लिक कर सकते हो, ओके इट इज अप टू यू, फाइन। सो दिस इज अबाउट पिक्चर्स, शेप्स हम लोग यहाँ से करेंगे, पिक्चर्स के नीचे शेप्स है, उसके नीचे टेक्स्ट बॉक्स है, ओके ये सब नीचे के ऑप्शंस इज नॉट फॉर योर यूज, आप लोग क्या यूज करोगे, टेबल पिक्चर्स शेप्स एंड टेक्स्ट बॉक्स, ओके दिस फोर ऑप्शंस यू आर गोइंग टू यूज इन मोबाइल, टेबल्स पिक्चर्स शेप्स एंड टेक्स्ट बॉक्स, ओके फाइन। नेक्स्ट वी विल गो इन लेआउट ऑप्शन, लेआउट ऑप्शन में क्या है, जो हम लोग पेज सेटअप करते हैं, ओरिएंटेशन हो गया, कॉलम्स हो गया, मार्जिन हो गया, दिस इज ऑल्सो ऑफ नॉट योर यूज, वी आर गोइंग टू जस्ट फोकस ऑन हाउ टू फॉर्मेट, कलरिंग कैसे करेंगे एंड हाउ वी आर गोइंग टू चेंज द फॉन्ट साइज फॉन्ट टाइप एंड ऑल, ओके सो दिस होम, ओके बुलेट्स है, नंबरिंग्स है, यहाँ पे अलाइनमेंट्स है, सी अलाइनमेंट्स भी हमने सीखा था, राइट सेंटर लेफ्ट एंड जस्टिफाई, फ्रॉम हियर यू कैन चूज द अलाइनमेंट्स ऑल्सो, ओके समझ में आया, सॉरी सो बुलेट्स यहाँ से दे सकते हो, फॉन्ट फॉर्मेटिंग यहाँ से दे सकते हो, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट मैंने आपको सिखाया था, ठीक है, सो फ्रॉम हियर दिस छोटा वाला एरो यहाँ से आप सब कुछ परफॉर्म कर सकते हो, ओके यहाँ से यू कैन चेंज द फॉन्ट टाइप, कौन सा टाइप आपको चाहिए, ठीक है, फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हो, यहाँ से फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हो। नाउ किड्स दिस जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे यू आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस, यू हैव टू कंटिन्यूसली प्रैक्टिस, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आपको मोबाइल पे भी मास्टरी आ जाएगा, ओके नाउ वन मोर थिंग, आई एम इंसर्टिंग वन शेप, सॉरी सर्कल में इंसर्ट कर रही हूँ, ओके अभी इसका मुझे कलर चेंज करना है, सो वॉट आई विल डू, यहाँ पे फिल कलर दिख रहा है, फिल कलर पे क्लिक करो एंड क्लिक ऑन एनी कलर, यहाँ से आउटलाइन चेंज कर सकते हो, मैं ब्लैक रख रही हूँ, ठीक है, सेम यहाँ से रैप टेक्स्ट हो गया, जो मैंने आपको स्क्वायर एंड टाइट सिखाया था पिक्चर्स के लिए, फ्रॉम हियर यू कैन यूज दैट ऑप्शन ऑल्सो, ओके एवरी ऑप्शन इज अवेलेबल इन मोबाइल ऑल्सो, जस्ट यू हैव टू सी वेयर इट इज अवेलेबल, ओके थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा बट इट इज वेरी इजी, फाइन। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू ऑल, इंसर्ट में जाके वापस बता रही हूँ, पिक्चर्स पे क्लिक करने के बाद यू विल गेट टू ऑप्शंस, फ्रॉम गैलरी और फ्रॉम कैमरा, ओके फिर जैसे ही पिक्चर इंसर्ट करोगे यू विल गेट अनदर ऑप्शन टू रैप इट, स्क्वायर एंड टाइट हम लोग करते थे वैसे। नाउ व्हाट इज दिस टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स क्लिक करोगे तो आपको एक टेक्स्ट बॉक्स मिलेगा, यहाँ पे यू विल बी यूजिंग योर फिंगर्स टू वर्क विथ मोबाइल, यू विल बी यूजिंग योर फिंगर्स ओनली, ओके जस्ट डबल क्लिक ऑन इट एंड यू कैन राइट वॉट एवर यू वॉन्ट, ओके इजी है, फाइन। सो दिस इज अबाउट हाउ टू यूज इन मोबाइल, अगेन आई विल टेल ऑल टैब्स आर अवेलेबल ओवर हियर, ठीक है, जैसे ही आप ओपन करोगे आपको होम टैब पे क्लिक करोगे, होम इंसर्ट ड्रॉ लेआउट रिव्यू व्यू एवरी टैब्स विल बी अवेलेबल ओवर हियर। होम टैब में क्या क्या है, जो हम लोग नॉर्मल फॉर्मेटिंग करते हैं, फॉन्ट टाइप चेंज कर सकते हैं यहाँ से, ओके फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं यहाँ से,
ओके, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन का भी ऑप्शन है, हाइलाइटिंग का भी ऑप्शन है, फिर फॉन्ट कलर का ऑप्शन है, बुलेट्स, नंबरिंग्स, एवरीथिंग इज अवेलेबल। ओके, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का क्या है, एड स्पेस जो मैंने आपको बताया था, लाइन स्पेसिंग का भी ऑप्शन मैंने बताया था पैराग्राफ ऑप्शन में, वो अवेलेबल रहेगा। ठीक है, यू कैन चेंज द लाइन स्पेसिंग ऑप्शन ऑल्सो, वो कहाँ पे आएगा, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में। ओके, समझ में आया सबको? ओनली वन थिंग इज नॉट अवेलेबल इन मोबाइल इज सेंटेंस केस, जो हम लोगों ने मैंने आपको कंप्यूटर पीसी में बताया था सेंटेंस केस, दैट हाउ विल यू गोइंग टू चेंज द होल थिंग इनटू कैपिटल लेटर्स और हाउ यू आर गोइंग टू चेंज द होल थिंग इनटू स्मॉल लेटर्स, दिस इज नॉट अवेलेबल इन मोबाइल ऐप, बट एवरी अदर थिंग इज अवेलेबल। ओके, क्लियर? नाउ वन मोर थिंग आई हैव टोल्ड यू दैट you can talk and write. Okay, now everybody is able to see here. Sorry, मैं ये annotation चालू कर रही हूँ तो दिखेगा नहीं। जैसे ही आप keyboard start करोगे ना, आपको mic पे screen पे mic का option दिख रहा है? Yes, दिख रहा है। Everybody is able to see the mic option in the screen? If yes, then give me a thumb. माइक का ऑप्शन दिख रहा है सबको स्क्रीन पे? आई विल शो यू इट अगेन। ओके, सो दिस माइक ऑप्शन, वो कब, जब आप लिखना स्टार्ट करोगे ना तब भी आएगा। मैंने किया एंड आई एम स्पीकिंग, सी आई हैव टोल्ड दैट आई एम स्पीकिंग, सो इट इज राइटिंग लाइक दैट ओनली। ओके, जैसे जो जो मैं बोल रही हूँ वो लिख रहा है। समझ में आया? इजी है? एक मिनट, मैं वापस से पूरा एक नाउ सी आई एम स्पीकिंग टू टू थ्री लाइंस एंड सेम टू सेम विल बी रिटन ओवर देयर। ओके, Good morning. Today is a rainy day. Today we are going to learn how to use MS Word in smartphones. Full stop. Full stop. Okay, so easy है, so आपका typing करने का time बच जाता है। Yes, is it easy? Done? तो अभी अगर ऐसे लिखना है mobile में, अगर आपको काम करना है तो just you will be speaking and writing. Okay, easy है? Okay, very good. So I hope you have understood this, how to work with MS Word in mobile app. Okay, so now any doubts you are having?